कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। डेल्टा प्लस वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य में फिर से सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन में राज्य में पाबंदियां और सख्त कर दी जाएगी। कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने और बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानों के घंटे फिर से कम किए जाएंगे। केंद्र ने महाराष्ट्र को आगाह किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर को आमंत्रित कर सकता है। देश में वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाई जा रही है, लेकिन ऑस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन लेने वाले 11 लोगों को दुर्लभ बीमारी होने की जानकारी मिली है। इन्हें गिलन बार सिंड्रोम नामक मस्तिष्क संबंधी बीमारी हुई है। विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई है। इन सभी लोगों ने 10 से 12 दिन पहले वैक्सीन ली थी। गिलन बार सिंड्रोम बीमारी में शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और मस्तिष्क में आघात होने लगता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला भारत लौट आए हैं। निजी विमान से वे पुणे पहुंचे। केंद्र सरकार ने उन्हें वाई ग्रेड सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना के टीकों की कमी को लेकर बढ़ते तनाव के बीच पूनावाला मई में लंदन रवाना हो गए थे। उन्होंने ये खुलासा कर स्तब्ध कर दिया था कि मुख्यमंत्रियों से लेकर व्यापारियों तक की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती भी कोरोना के फ्रॉड टीके का शिकार हो गई। सांसद ने बताया कि मेरे पास आए एक शख्स ने खुद को IAAS ऑफिसर बताया और कहा कि वह ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उस अभियान में मैंने भी कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई, लेकिन कोविन से कन्फर्मेशन नहीं आया तो शक हुआ। कोलकाता पुलिस से मैंने शिकायत की और आरोपी देवांजन देव को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर गिरे चीन और उसकी वुहान लैब के बारे में एक और अहम खुलासा हुआ है। चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने से रोकने के लिए बेहद जरूरी शुरुआती मरीजों के डेटा को डिलीट कर दिया था। जांच से पता चला है कि वुहान के दर्जनों मरीजों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से डिलीट कर दिया गया था। इन फाइलों से कोरोना वायरस के उत्पत्ति को लेकर महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग सकता था। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध ओपेरा म्यूजिक स्टार प्रीटी येंडे के साथ फ्रांसिस एयरपोर्ट पर अपराधियों जैसा सलूक किया गया। येंडे ने आरोप लगाया है कि इटली से फ्रांस की राजधानी पेरिस की यात्रा के दौरान चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनके ऊपर बिना उचित दस्तावेज के फ्रांस में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया था। 36 साल के इस म्यूजिशियन ने कहा कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने किसी अपराधी की तरह उनके कपड़े उतरवा कर जाँच की। यूपी में धर्मांतरण के रैकेट के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से भी जुड़ रहे हैं। जैश ने अप्रैल में पाकिस्तान में एक खास मिशन तैयार किया था। इसका मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना था। इसकी शुरुआत डासना मंदिर से ही होनी थी, लेकिन ये मिशन कामयाब नहीं हुआ और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी हो गई थी। ये बात भी सामने आ रही है कि जैश का आतंकी आबिद इस मिशन को लीड कर रहा था। आंध्र प्रदेश में 12वीं की परीक्षा रद्द न किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी छात्र की मौत होती है तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। केंद्र और बाकी राज्यों की ओर से 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बावजूद आंध्र में परीक्षाएं करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि क्या फैसला लेने से पहले सभी पक्षों से बातचीत की गई थी। न्यूजीलैंड के हाथों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सही लोगों को लाया जाएगा, जो अच्छे प्रदर्शन के लिए सही मानसिकता के साथ उतरे। भारतीय बल्लेबाजों ने
फाइनल में निराश किया, जिससे टीम को 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। कोहली ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ खिलाड़ी रन बनाने का जज्बा ही नहीं दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बीच महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर बवाल शुरू हो गया है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि महबूबा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, वे राज्य में अशांति फैला रही है, इसके लिए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। तो टॉप 10 के खबरों में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।